ठीक है, इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर या एसी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर थ्रू द रिमोट को मैनेज करते हैं उसी तरीके से, तो ये डायग्राम डिजाइन हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसमें वर्कआउट क्या हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे कंपोनेंट इंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होम गेटवे अपना डिवाइस ले लेते हैं और इसकी कनेक्शन आपको जिससे भी देखना है आप वो डिवाइस ले लें। फॉर एग्जांपल मैं पीसी के थ्रू देखना चाहता हूँ और स्मार्टफोन के थ्रू। अब आते हैं हम लोग इन डिवाइस में, तो एसी हम ले लेते हैं। एसी को साथ कनेक्ट करने के लिए थर्मोसेट ले लेते हैं एंड एक हम लोग ले लेते हैं ह्यूमिडिटी मॉनिटर और एक हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर मॉनिटर। टेम्परेचर मॉनिटर ये रहा टेम्परेचर मॉनिटर। ठीक है, अब इन सारे डिवाइस को थ्रू द होम गेटवे कनेक्ट करना है। राइट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एडवांस में आएंगे, आईओ में आएंगे और यहाँ WNT कर देना है। फिर इसके कंफिग में आना है और यहाँ होम गेटवे सेलेक्ट करके DHCP को ऑन कर देना है। वैसे ही यहाँ पे भी करना है, एडवांस में आना है, आईओ में आना है और ये पोर्ट है अलग अलग जिसके थ्रू आप वायर वायर नेटवर्क जैसा आप नेटवर्क में रखना चाहते हैं वो मोड आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वायरलेस ले लिया है। कंपिंग में आता हूँ और इसका DHCP को इनेबल कर देता हूँ और कनेक्ट किससे होना है, होम गेटवे जो डिवाइस है उसके सर थ्रू। अब होम गेटवे क्यों कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि होम गेटवे के अंदर में ये जो डिवाइस है इसका वायरलेस लेन में देखेंगे तो ये होम गेटवे इसका SSID है जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है। सेम इसके साथ भी करना है अपन को। कंफिग में आना है और पहले आप एडवांस में आइए, आईओ में यहाँ आपको WT लेना है और इसके साथ भी एक कनेक्ट हो चुका है। एक डायरेक्ट इसलिए कनेक्ट हो गया क्योंकि इसके फिजिकल में कहीं ना कहीं होम गेटवे ऑलरेडी DHCP इनेबल है। ठीक है, और IoT सर्वर हम यहाँ पे होम गेटवे को इनेबल कर दिए हैं। ओके, अब इधर तो ये कनेक्शन हो गया। अब ये स्मार्टफोन की बारी, IoT में आएंगे, इसके IP कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, वायरलेस 0 है। ओके, एंड वायरलेस 0 में आके यहाँ पे इसकी SSID को सेट करना है। तो हम यहाँ से SSID जो भी होम गेटवे डिस्प्ले का है वो आप ले लीजिए। इसका यहाँ ये इसका होम गेटवे का SSID है, कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ इसके ऊपर उस SSID को पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप SSID जो भी आपका है वो डिफाइन कर देंगे। जैसे बाई डिफॉल्ट होम गेटवे लिखा हुआ आता है IoT में, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप SSID चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मोड है, अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो आप पासवर्ड दे सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड के मोड में ऑथेंटिकेशन देना है तो आप दे सकते हैं। जो ऐसा आप मोड रखना चाहते हैं उस तरीके से ऑथेंटिकेशन मोड इसको आप दे सकते हैं। कहाँ गया इसका SSID? तो होम गेटवे DHCP इनेबल है
ओके, कनेक्ट हो चुका है। अब बारी है इसकी और सिस्टम का। तो यहाँ पे इसके साथ कनेक्शन करने के लिए पहले इसके डिटेल को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है क्या कि D0 से थर्मोस्टेट के D2 स्लॉट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसके D0 पोर्ट से इसके पोर्ट D2 को कनेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि AC को इस फोन के थ्रू ऑन ऑफ कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस डिवाइस में IO कंफिग में आते हैं। थिंग्स एडिटर में आएंगे, सॉरी। और कैसा करना है तो डिस्टर्ब कॉन्फ़िगर करना है एंड स्लॉट नंबर लेके करना है। तो मैं स्लॉट 0 ले रहा हूँ और ऐड कंपोनेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं पहला कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, एसी ऑफ। ओके, सेकेंड स्लॉट नंबर 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एसी ऑन। और स्लॉट मोड क्या है तो डिजिटल है, राइट। एंड अगला स्लॉट लेता हूँ, स्लॉट नंबर 2। न्यू में आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कूलर हाई हो, तो कूलिंग करे। एंड नेक्स्ट स्लॉट है इसमें हम इसको ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्लॉट में ऑफ हो सकता है। इसको आप स्लॉट 3 ले ले और यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ मैं इसको ऑफ का संक्शन को डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब भी मैं इस स्मार्टफोन में डेस्कटॉप मोड में आता हूँ और IoT डिवाइस को ओपन करने से पहले इसमें भी एक चीज है कि आप होम गेटवे को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके लिए DSCP सर्वर इनेबल कर दीजिए और होम गेटवे को ऑन कर दीजिए, क्योंकि होम गेटवे के कंट्रोलर के बिना कंट्रोल नहीं होगा। अब IoT मॉनिटर में आते हैं, लॉगिन करते हैं। तो आपको यहाँ पे एसी के सारा सिस्टम दिख रहा होगा। अभी ये कूलिंग है, ऑफ है, इसको कूल करते हैं तो ये ऑन हो गया है। और जब ये ऑन हो गया है डेट मीन्स कि ये कूलिंग करेगा। और जब ये कूल करेगा तो देखिएगा यहाँ टेम्परेचर माइनस में जाने लगा। ह्यूमिडिटी अभी 50 है, जैसे जैसे चलेगा ये बढ़ेगा। एंड हम इसको हीटिंग कर देते हैं। तो आपको कुछ और भी चेंजिंग नजर आएंगे, ठीक है। ऑफ करना चाहेंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, ये कूलिंग करना चाहेंगे तो यहाँ से कूल हो जाएगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर को आपको घटाना है, बढ़ाना है, आप जो करना। जैसे अगर आप ऑफ क्लिक करेंगे तो इसका ये लाइट बंद हो जाएगा, कूलिंग को ऑन करेंगे इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। इसमें अगर मैं कुछ और सेट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको न्यू में ब्लोअर हाई कर दे, स्लॉट नंबर 4 ले ले और ब्लोअर को हाई कर दे एंड स्लॉट नंबर 5 ले ले न्यू, और यहाँ पे कूल हीट का ऑप्शन है, कूल एंड हीट का। तो आप कूल करना चाहते हैं तो कूल कर सकते हैं। अब इस स्मार्टफोन में आएंगे और इस डिवाइस को लॉग आउट कर दीजिए एंड अगेन आप इसको लॉगिन कर लें। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑफ, कूलिंग ऑन,
यहाँ हम ऑफ कर रहे हैं तो ये एसी ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, और इसको कूलिंग कर रहे हैं तो एसी ऑन हो रहा है। ऑटो कंट्रोल टेम्परेचर है, अगर आप ऑटो कंट्रोल कर देंगे तो वो खुद से खुद कंट्रोल करेगा। अगर आप मैनुअल कंट्रोल करना चाहते हैं तो कूलिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी कूलिंग अभी 16 कर दूं और ये सेट कर दिया तो ये 19 पे कूल अभी करेगा। और ये देखिए टेम्परेचर उस एरिया का, रूम का एरिया का टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और ह्यूमिडिटी भी घट रही है। तो आप इस तरीके से एक डिवाइस को होम गेटवे के थ्रू, आप स्मार्टफोन सॉरी स्मार्टफोन के थ्रू वायरलेस नेटवर्क में आईओटी को एसी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज मैंने अभी आपको करके दिखाया है। दैट मीन्स कि ये एसी है, इसके लिए थर्मोसेट लगाया गया। इस थर्मोसेट में ये डिफाइन किया गया है कि एसी का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इस एरिया का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, उसका टेम्परेचर दिखा रहा है, और उसकी सारे के सेगमेंट कनेक्शन इस कंट्रोलर डिवाइस के थ्रू है जो होम गेटवे के नाम से है, जिसमें एसएसआईडी उसका डिफाइन है, और उसी एसएसआईडी से इन सारे डिवाइस को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। डेट इज कॉल्ड एसएसआईडी। एंड एसएसआईडी के साथ साथ सारे पे डीएसएपी सर्वर इनेबल है, और उस डीएसएपी सर्वर से आपके सारे कनेक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेम चीज ऐसे ही इस स्मार्टफोन की जगह पे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट की एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लैन नेटवर्क केबल के साथ कनेक्ट कर आप अपने कंप्यूटर के थ्रू भी ए सेगमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप करना चाहेंगे तो सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे वायर नेटवर्क लेंगे और इसके थ्रू यहाँ कनेक्ट कर इसके भी डेस्कटॉप पे आना है, और क्योंकि ये फास्ट ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट है तो यहाँ पे भी इसके आईपी स्टैटिक कर देंगे। और इसकी डीएसपी यहाँ पे फेल हो रही है। यहाँ पे आप इस पीसी के सेगमेंट पे क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करेंगे, और कभी कभी डीएसपी सर्वर आप जानते हैं अगर नेटवर्क का आपका आइडिया है तो ऐसा है कि वन टाइम में वो एक्सेसिबल नहीं देता है, तो आप स्टैटिक डीएसपी दो बार तीन बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेगमेंट कनेक्ट हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप आराम से डीएसपी सर्वर आपको यहाँ आईपी भी दे देगा। जैसे डीएसपी सर्वर का आईपी इसको मिल रखा है 192.168.25.104, इसके साथ एक कनेक्टेड है। अब मैं इस आईओटी के मीटर से यहाँ पे लॉगिंग करके रखा हूँ, अगर लॉग आउट कर दूँ तो लॉग आउट हो सकता है, लॉगिंग कर देंगे तो आ जाएगा। थर्मोस्टेट है, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। राइट, तो क्या हो चुका है, एसी मेरा बंद हो चुका है। हम मैं स्मार्टफोन से काम करते हूँ, सेम चीज, और यहाँ इसको कूलिंग पे क्लिक करते हैं तो आप इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। अभी आप अभी ऐसा भी देखते होंगे कि अगर आप एसी लगा रखे हैं तो आप एसी की रिमोट से भी एसी को ऑन कर रहे हैं और अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी ये चीज कर रहे हैं, तो लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ होम गेटवे के थ्रू डिफाइन किया गया है कि आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं मल्टीपल वन ही टाइम में, ह्यूमिडिटी भी यहाँ मेंटेन हो रहा है, घटता जा रहा है जैसे जैसे कूलिंग माइन चल रहा है, जो कूलिंग पे भी दिखा रहा है कि क्या कूलिंग ये दे रहा है, तो ये हमारा 16 डिग्री 18 डिग्री का टेम्परेचर ये मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि एसी कितना टेम्परेचर ये मेंटेन कर रहा है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी एक यूनिट डिफाइन कर रखा है
कि हार्डली ये जो कूलिंग करेगी, अगर आप देखेंगे स्मार्टफोन से मॉनिटर से इसका, तो मैंने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है कि 19 डिग्री ही सेंसियस से इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो जब भी चलेगा तो उतने के ही आसपास में ही हमें कूलिंग कर कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक कंट्रोलिंग सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।